सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंटर को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो पांच तरीके जिससे हम अपने घर का लाइट बिल ज्यादा से ज्यादा कम कर सके, यानी कि पावर सेविंग करने के पांच तरीके। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कुछ आपको मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात करते हैं कि पावर सेविंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, सबसे आसान तरीका वो है कि कभी भी हम अपना घर का फैन हो या फिर CFL लैंप हो, LED लैंप हो, घर की लाइटिंग हो, या फिर बात आती है TV, PC या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑन करके कभी भी हम छोड़ के चले जाते हैं और अनयूजुअली फैन तो चालू ही रहता है घर में पूरे दिन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि हमें अपने इक्विपमेंट, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसको जब ज़रूरत नहीं हो तो उसको बंद करना चाहिए। उससे आपकी बिजली के बिल में, जो भी आपका लाइट बिल आता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कटौती होगी। तो सबसे पहली बात हमें यह ध्यान रखनी है कि हमारे घर के इक्विपमेंट जब भी ज़रूरत ना हो उसको मेन पावर बोर्ड की स्विच से ऑफ करना है। अब दूसरी बात आती है कि पावर सेविंग करने का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी हम इक्विपमेंट को बंद करते हैं तो ज़्यादातर रिमोट से ऑफ कर देते हैं। फिर वो अपना TV का रिमोट हो या फिर DTH का रिमोट हो या फिर किसी और चीज़ का रिमोट हो, हम ज़्यादातर रिमोट से उसको ऑफ करके छोड़ देते हैं। उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि वो पावर कंजप्शन करता रहता है। कैसे करता रहता है? देखिए, आपको रिमोट को ऑपरेट करवाने के लिए उसको अपने SMPS को ऑन रखना पड़ता है, यानी कि पावर सप्लाई को ऑन रखना पड़ता है। फिर वो कोई भी इक्विपमेंट हो, आपका TV हो या फिर DTH हो या कोई भी चीज़ हो, तो SMPS और रिमोट का जो सर्किट बोर्ड आता है, IR ब्लास्टर यानी कि IR सेंसर आता है, वो सेंस करने के लिए उसको भी ऑन रखना पड़ता है। यानी कि एक रिमोट से ऑन ऑफ करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके इक्विपमेंट में ऑन रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ऑन रहेगी तो आपका पावर कंजप करती रहेगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी ज़रूरत ना हो हम रिमोट से तो ऑफ करेंगे, उसके साथ साथ हमें बंद करना है स्विच बोर्ड से, यानी कि स्विच बंद करके वो स्विच को बंद करना है, जो भी इक्विपमेंट है उसको हमें बंद करना है। उससे आपके लाइट बिल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर से फ़ायदा होगा और कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। अगर आप बाहर की आउटडोर की लाइटिंग और ये सब कुछ ऑफ करना भूल जाते हैं तो वहाँ पे फोटो सेंसर या टाइमर का यूज़ करके आप वो लाइटिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ से भी आपका पावर कंजप्शन बहुत ही कम होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है तीसरी चीज़ की, अगर तीसरी चीज़ हम क्या यूज़ करेंगे तो हमें पावर कंजप्शन में फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, तीसरी चीज़ में ये है कि जो भी आप घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ले रहे हैं, नई चीज़, कोई भी आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं या फिर एक नॉर्मल सा लैंप या फिर फैन ले रहे हैं, उसमें आपको देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार वाला हो, यानी कि 5 स्टार मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट है। वो आपको एनर्जी उतनी ही देगा, वॉट उतना ही देगा, मगर पावर कंजप्शन उसका कम होगा। स्टार का एक फ़ायदा है कि वो आपका आउटपुट, जितना आपका 1 स्टार वाला इक्विपमेंट आउटपुट देगा उतना ही 5 स्टार वाला इक्विपमेंट आउटपुट देगा, मगर जो वो यूनिट कंजप्शन करेगा उससे बहुत ही कम कंजप्शन करेगा आपका 5 स्टार वाला। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के इक्विपमेंट, TV हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर कोई भी और चीज़ हो, उसको आपको 5 स्टार में लेने की कोशिश करनी है। अगर 5 स्टार नहीं मिल रहा है तो 4 स्टार या 3 स्टार तो ज़रूर लगाना है, ताकि वहाँ से भी आपका पावर कंजप्शन कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। ये भी एक चीज़ है। और इक्विपमेंट को थोड़ा साफ करके भी रखना चाहिए। अगर उसमें धूल मिट्टी छपकू डस्ट है तो उसको थोड़ा सा क्लियर करते रहेंगे तो वहाँ पे भी आपका पावर कंजप्शन कम हो जाएगा और इक्विपमेंट हीट कम होगा। तो ये भी चीज़ है कि आप वहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं, पावर कंजप्शन कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, कि चौथी चीज़ ऐसी क्या है जिससे हम पावर कंजप्शन कम कर सकते हैं अपने घर का। देखिए, सबसे पहले आप अगर लैंप यूज़ कर रहे हैं तो टंगस्टन लैंप पुराने वाला है तो उसको अपडेट कीजिए, LED लैंप लगाइए, CFL लैंप है तो भी उसको अपडेट कीजिए और LED लैंप लगाइए। अगर आप सीलिंग फैन यूज़ कर रहे हैं, सीलिंग फैन तो हर कोई यूज़ करता है, तो आप भी सीलिंग फैन यूज़ करते हैं तो जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे BLDC यानी कि BLDC फैन लगाइए, तो आपका वहाँ से पावर कंजप्शन बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि फैन, जो भी आप नॉर्मली AC फैन यूज़ करते हैं, सीलिंग फैन, वो अगर थोड़ा सा भी पुराना हो गया तो एक टंगस्टन लैंप 100 वाट जितना पावर वो ले लेता है। इनके 100 वाट का टंगस्टन लैंप आप चालू रखिए या आप अपना फैन चालू रखिए,
तो हो सके तो ये वाला BLDC फैन आप यूज कीजिए ताकि आपका वहां से भी पावर कंजप्शन कम हो जाए। और BLDC फैन की वीडियो की लिंक आपको देखनी है तो यहाँ पे कार्ड पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं कि BLDC फैन कैसा आता है, क्या पावर कंजप्शन है उसका। अब एक और बात, अगर आप एसी यूज करते हैं तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टार वाला लेने की, और अगर आपने इन्वर्टर एसी लगा लिया तो बेस्ट है, क्योंकि वो भी BLDC टेक्नोलॉजी से चलता है, तो ब्रशलेस DC टेक्नोलॉजी उसमें आपको यूज हो जाएगी और वो बहुत ही ज़्यादा पावर कंजप्शन में आपको फायदा मिलेगा, बहुत ही कम पावर कंजप्शन करेगा, तो बहुत ही कम यूनिट खाएगा आपको और आपका लाइट बिल बहुत ही कम आएगा। पांचवी और लास्ट चीज़ ये है कि जब भी आप पावर का यूज कर रहे हो, अगर आपकी वायर की क्वालिटी, घर के वायरिंग की क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही लो MM का वायर आपने यूज किया है, जैसे कि मैं आपको बात करूँ 1 MM जितना वायर है और पूरा घर का आपने लोड लगाया हुआ है, तो वहाँ पे भी पावर कंजप्शन में आपको नुकसान हो रहा है, यानी कि वायर आपको अपडेट करना है उस हिसाब से। अगर आप यूज करते हो 5 वोल्ट वाले प्लग में 15 एम्पियर की चीज, तो वहाँ पे भी आपको ये चेंज करना है, वहाँ पे प्रॉपर वायर के साथ प्रॉपर 15 एम्पियर का प्लग यूज करना चाहिए। फिर बात आती है गीजर, AC, रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीज की बात आती है जो हाईएस्ट कंजप्शन करते हैं पावर का, वहाँ की लाइन अलग से लेनी चाहिए। फिर बात आती है घर के आप पानी की मोटर की, तो पानी की मोटर की भी आप सेम टू सेम कर सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वायर यूज कर सकते हैं। फिर बात करूँ तो आपका कोई स्विच खराब होगा, कोई प्लग खराब होगा, तो आप उसको ये लगातार चलाते रहे हैं, आपको पता है ये हीट हो रहा है, इसमें पार्क हो रहा है, ये सब कुछ होते हुए भी आप चला रहे हैं उसको, ये चीज़ आपको बंद करनी है, उसको तुरंत ही रिपेयर करवाना है, क्योंकि वहाँ से भी पावर कंजप्शन आपका बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे ठीक से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, इसीलिए वहाँ का जो भी स्टार्टिंग करंट है उस चीज़ का वो भी बढ़ जाता है और बहुत सारे आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे उससे। और हाँ, स्पार्क कर रही है ये चीज तो कभी ना कभी आपको भी करंट मार सकती है, तो सबसे पहले ये काम करवाना है, आपके सारे स्विच बोर्ड चेक कर लीजिए, वहाँ पे जहाँ भी प्रॉब्लम है, वायर का, फ्यूज का, जो भी चीज़ का प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करवा लीजिए, वायर अपना ठीक है तो वायर अपना टेस्टिंग करवा लीजिए, अगर ठीक है आपके लोड के हिसाब से तो सही है, वरना उसको अपडेट करवा लीजिए। और बाकी के जो मैंने 4 तरीके और ये 5 तरीके बताए, ये 5 तरीके आप यूज़ कीजिए, आपका पावर का बिल जरूर से कम होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।